अस्सलाम वालेकुम डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 32 फ्रॉम बुक पेज 180। आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर। बच्चों आज आपको कैलेंडर जो है वो कैसे जो है वो देखते हैं उसको मैं आपको देखना जो है वो आप डेट देखना सिखाऊंगी कि कैसे आप जो है कैलेंडर से किसी भी दिन को फाइंड कर सकते हैं किसी भी डेट के अकॉर्डिंग। बच्चों आपको यहाँ पर बुक पेज नंबर 180 पे आज की डेट से ये मेंशन करेंगे। डेट होगी आज की 21 जुलाई और डे है जी आपका ट्यूसडे। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर नवंबर का मंथ जो है वो कैलेंडर फॉर्म में आपको दिखाया गया है और आप देखेंगे कि सबसे पहले नवंबर के बाद आपको MTWTFSS आपको जो है वो शो हो रहा है। ये अब TMWFSS ये क्या है, ये आपके डेज को शो कर रहा है। M for Monday, T for Tuesday, W for Wednesday, T for Thursday, F for Friday, S for Saturday and S for Sunday। जी तो बच्चों यहाँ पर संडे जो है मोस्टली जो हमारे पास कैलेंडर्स होते हैं क्योंकि संडे ऑफ होता है आपके वर्किंग डे नहीं होता है तो ये आपको प्रोमिनेंट जो है वो रेड में या किसी भी और कलर में जो है वो या किसी भी कॉलम में शो हो रहा होता है जबकि यहाँ आपको नहीं दिखाया गया। लेकिन आपके घर में जो कैलेंडर होंगे आप उनके ऊपर इन चीज़ों को देख सकते हैं, यानी कि आप एम लेट्स मी मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। आपका जो मंथ स्टार्ट हो रहा है यानी कि यकम नवंबर जो स्टार्ट हो रही है वो आपकी शुरू हो रही है थर्सडे से, ठीक है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसका लास्ट ऑफ द मंथ डे हो रहा है आपका कौन सा है बच्चों, जी एफ फॉर फ्राइडे, यानी कि आपने उस डेट के ऊपर कॉलम में जाना है और देखना है कि वो कौन सा दिन बन रहा है। अगर आपको कहा जाए कि आप देखें कि आपका 13th नवंबर को क्या डे होगा तो आप 13 डिजिट के ऊपर देखेंगे कि क्या राइट हुआ है, यानी कि ट्यूसडे, यानी कि 13th नवंबर को आपका ट्यूसडे का दिन होगा। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए व्हाट विल द डेट ऑन द लास्ट संडे ऑफ द नवंबर तो लास्ट संडे पे आपकी आप देखें कि यहाँ पर तो संडे है ही नहीं, इट्स मीन कि आपका ये संडे लास्ट है तो लास्ट संडे को आपकी डेट हो जाएगी 25, यानी कि लास्ट संडे आपका 25 नवंबर को होगा आएगा और उस दिन होगा यानी कि ये संडे का दिन होगा। इसी तरह अगर आपको कैलेंडर से ही आपको डे को फाइंड करना हो कि 8 नवंबर को क्या दिन होगा तो आपने 8 को डिजिट पे जाएंगे, डिजिट को आप ऊपर कॉलम में देखेंगे कि कौन सा दिन है, इट्स मीन कि थर्सडे का दिन होगा। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये MTW इसका मतलब क्या होता है और आप किसी भी डे को कैसे देख सकते हैं। इसी तरह आपका एंडिंग डे ऑफ द मंथ होगा आपका फ्राइडे, यानी कि यकम जो है आपका दिसंबर जो है वो सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा। जब नेक्स्ट आप दिसंबर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट सेकेंड और इसी तरह सीक्वेंस में और ये आपको 7 ब्लॉक ही नज़र आएंगे क्योंकि वे वीक के अंदर 7 डेज होते हैं बच्चों। अच्छा जी आप उम्मीद करती हूँ कि आपको इसी तरह आप अपने आपके घर के अंदर भी मौजूद होंगे कैलेंडर्स तो आप उन कैलेंडर्स के से जो है डेट और डे जो है वो देख सकते हैं। और अब हम इसके साथ ही जो इसकी एक्सरसाइज है उसको हम देखेंगे और इसको हम फाइंड करेंगे इस कैलेंडर से व्हाट इज़ द डे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर, नवंबर के फर्स्ट को कौन सा दिन बन रहा है। अगर फर्स्ट डे को देखें तो आपका कौन सा डे है यानी कि जी। तो प्यारे बच्चों व्हाट इज द डे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर, फर्स्ट डे ऑफ नवंबर पे अगर आप देखें यकम को आपका दिन बन रहा है क्या थर्सडे तो आप राइट कर देंगे थर्सडे। सेकेंड है जी व्हाट इज द डेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ की डेट जो है लास्ट डेट क्या आ रही है 30th नवंबर, ठीक है अपने लास्ट डे पे जो देखेंगे। विच डे ऑफ द वीक इज़ द नवंबर 24 डेट पर कौन सा दिन होगा, अब आप 24 के ऊपर देखेंगे ठीक है, आपने वो 24 वाला कॉलम लिया 24 के कॉलम के ऊपर देखेंगे तो आपका क्या होगा सैटरडे होगा, द डे विल बी सैटरडे, ठीक है। हाउ मैनी ट्यूजडेज आर इन द मंथ, ठीक है ट्यूसडे की बात हो रही है यानी कि मंडे वेनसडे ट्यूसडे, अब आप देखेंगे ये ट्यूसडे है कितने ट्यूसडेज आएंगे इस नवंबर के वीक में 1, 2, 3 एंड 4, तो कितने ट्यूसडे इस मंथ के अंदर हुए 4 ट्यूसडेज जो हैं वो नवंबर के मंथ में होंगे।
व्हाट इज़ द डेट ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ? लास्ट सैटरडे आपका क्या होगा? ये देखें, ये आपका यहाँ पर तो है ही नहीं, सैटरडे का डेट मेंशन ही नहीं है, तो इट्स मीन कि इससे ऊपर हमारा क्या होगा, सैटरडे की डेट होगी 24, यानी कि लास्ट सैटरडे आपका आएगा 24 को। इसी तरह हाउ मैनी वीक्स डज दिस मंथ हैव, एवरी मंथ हैव 4 वीक्स, ठीक है, हर मंथ के अंदर जो है वो 4 वीक्स होते हैं। सो ये था बच्चों आज आपका कैलेंडर की एक्टिविटी थी जो आप बुक के ऊपर करेंगे, और आज का आपका वर्क क्या है, और साथ में आपके घर के अंदर जो कैलेंडर मौजूद हैं उनसे जो है आप, और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल जो हैं वो डेट्स जो होती हैं वो भी शो हो रही होती हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स होते हैं हमारे जो है, इसके अलावा जो कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी नेशनल इम्पॉर्टेंस डेज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 23rd मार्च, 14th अगस्त, इसी तरह काइज बर्थडे, इस तरह के जो डेज़ होते हैं वो भी आपको कैलेंडर के ऊपर कुछ प्रोमिनेंट या कुछ हाईलाइटेड फॉर्म में या किसी और कलर में आपको शो हो रहे होंगे, और इसी तरह संडेज़ जो हैं वो भी आपको प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। तो जबकि यहाँ पर आपको बुक के ऊपर नहीं दिए गए, लेकिन आप घर के अंदर जो कैलेंडर होंगे आप उनको देखेंगे। अगर आप, मैं आज की एक्टिविटी ये है कि 2020 का जो 14 अगस्त है, आपने ये फाइंड भी करना होगा कि 2020 का 14 अगस्त को क्या डेट होगी, और इसी तरह जो 23rd मार्च जो गुजर चुका है आपने ये भी ढूंढना है कि वो उस दिन जो है वो कौन सा दिन हुआ था या कौन सा दिन था, 2020 कैलेंडर की बात कर रही हूँ। और इसी तरह आपने अपनी बर्थडे को की जो आपकी डेट है उसका डे भी, अब जो आप जिस डेट को आप बर्थडे मनाएंगे अपनी, वो भी आपने कैलेंडर को देख के अपने ये तीन जो है चीज़ें जो है फाइंड करके रखनी है बच्चों, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको कैलेंडर से दिन और तारीख और दिन देखना जो है वो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आपने बर्थडे का दिन 14 अगस्त और 23rd मार्च और डिफेंस डे होता है हमारा, उसको आपने फाइंड करके रखना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।